गुड इवनिंग एवरी वन, इज ऑडियो एंड वीडियो क्लियर टू यू गाइज? लेट मी नो देन वी स्टार्ट आवर सेशन. गुड इवनिंग सावन पूजा अंजलि भावना आरती पूजा. लेट्स जस्ट वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स सो दैट एवरीवन ज्वाइन देन वी स्टार्ट आवर सेशन. गुड इवनिंग प्रियंका अंजलि शुक्ला. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग दीपमाला. गुड आरती, आपको अपना सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा. राधे राधे. हाँ जी आरती बिल्कुल दे सकते हैं. हाँ जी आरती दे सकते हैं, मैंने अभी चेक किया है जूलॉजी से जो नेट है, नेट एग्जाम वो दे सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज. तो शुरू करते हैं अपना सेशन, एनफ टाइम हो गया है, 3 मिनट्स हो चुके हैं. ठीक है, बाद में जो बच्चा ज्वाइन करेगा वो देन अपने रिकॉर्डेड क्लासेस देखेगा, टाइम हो गया है क्लास का. सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मंजू कुहार एंड आई एम योर यूजीसी नेट पेपर वन फैकल्टी. वेलकम टू फिलर फॉर्म ऐप. सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 3 हैंडल्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये तीनों हैंडल्स हैं हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप और इंस्टा हैंडल्स. तो जिसने भी अभी तक इन चैनल्स को फॉलो नहीं किया है, जल्दी से जाके इन चैनल्स को फॉलो कर लो, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग आवर एग्जाम, रिगार्डिंग PhD, रिगार्डिंग कोर्स, सारी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर, इन्हीं चैनल्स पर मिलने वाली. तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना इन चैनल्स को. देन मैं अगर बात करूँ तो ये है हमारे करंट के दिसंबर बैचेस जो अभी चल रहे हैं एट प्रेजेंट. ठीक है, तो अभी जो आज से 28 अगस्त से 3 सितंबर हम एक न्यू ऑफर लेके आए हैं, राखी ऑफर, रक्षाबंधन पे ऑफर लेके आए हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको मिल रही है, अगर जो भी बच्चा कोर्स परचेज करता है अभी इन दिनों में, तो उसको मिलेगी पेपर वन की यूजीसी नेट की सारी बुक फ्री. तो जो भी कोई परचेज करना चाहता है आपके आसपास जरूर बताना. ठीक है, लिमिटेड ऑफर है जो कि 28 अगस्त से 3 सितंबर तक रहेगा, जिसमें आपको कोर्स मिल रहा है 1799 में. सेम पेपर वन का भी जो कोर्स है वो मिलेगा आपको 1799 में. ठीक है, और साथ में आपको मिल रही है पेपर वन की सारी बुक्स फ्री. तो अब चलते हैं अपने आज के सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज,
दीपमाला हमारी 5th यूनिट ही चल रही है, लेकिन उसके अंदर आज हम अपना टॉपिक कर रहे हैं, आज हम अपना टॉपिक कर रहे हैं मैथ्स, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। आप लोग जिनको बुक परचेज करनी है तो वो आपको बता दिया जाएगा, ये ऑफर उनके लिए निकाला है अभी रक्षाबंधन पे, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स आते रहते हैं, तो ये ऑफर्स अभी सिर्फ 5 दिन के लिए लिमिटेड ऑफर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो साधारण ब्याज होता क्या है। जब हम अपना कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पैसा हमने इन्वेस्ट किया, उस पे हमें मिलता है इंटरेस्ट। अगर हमें इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो हर साल, मान लो 5 साल के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया, और हर साल जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है कि हर साल हमें 1,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, पहले साल भी 1,000 मिले, दूसरे साल भी 1,000 मिलेंगे, तीसरे साल भी 1,000 मिलेंगे, चौथे साल भी 1,000 मिलेंगे, और लास्ट 5th ईयर भी हमें 1,000 मिलेगा इंटरेस्ट। तो ये होगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है, जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल नहीं बनता इसके अंदर, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्लियर है। सबसे पहले साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट जिसको दर बोलते हैं, टी जिसको टाइम बोलते हैं, और अपॉन में 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अनुराधा मैथ की क्लास का जो सही टाइम है वो यही है, मंडे टू थर्सडे 4 PM एंड फ्राइडे सैटरडे यूट्यूब पे क्लास होती है हमारी, और वो होती है 9 PM। जल्दी बताओ सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्लियर है। साधारण ब्याज होता क्या है और उसको निकालेंगे कैसे, ये क्लियर है सबको। जल्दी, तब तक सारे बच्चे रिप्लाई करो कि क्लियर है आप सबको या नहीं। पी मींस प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट जिसको बोलते हैं दर, और टी मीन्स टाइम समय। उसके बाद देखो सिंपल इंटरेस्ट से एक और फॉर्मूला बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने देखा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने प्रिंसिपल को माना 100%, तो 100% इंटू आर बाय 100 इंटू टी, ठीक है, और 100 से अगर 100 कट जाए तो सिंपल इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला बन रहा है आर इंटू आर मल्टीप्लाई टी। बहुत सारे क्वेश्चंस में जब हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। हाँ जी, प्रिंसिपल मूलधन होता है। रेट होता है दर, और टी होता है टाइम जिसको हिंदी में बोलते हैं समय। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है हमारा पी इंटू आर इंटू टी जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, और दूसरा होगा हमारा जो हमने अभी बनाया, अगर प्रिंसिपल को हम 100 लेते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, जो साधारण ब्याज है वो रह जाएगा दर गुना में समय। हिंदी में मैं बोल रही हूं दर गुना में समय, और सिंपल इंटरेस्ट तो बता ही चुकी हूं मैं, साधारण ब्याज ये फॉर्मूला है। अभी क्वेश्चंस आपको हिंदी में ही मिलेंगे, फॉर्मूला तो आप हिंदी में भी पी इंटू आर इंटू टी लिखोगे। देखते हैं परमदीप, अभी वैसे तो जहां तक है छुट्टी करेंगे राखी पे।
प्रिंसिपल है हमारा मूलधन, रेट है हमारा दर, टी है हमारा समय, और सिंपल इंटरेस्ट है हमारा साधारण ब्याज। पूरा ही आएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बता दो, जो फॉर्मूला है वो क्लियर है सबको? जल्दी बताओ सारे। ओके, तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, दर है 5%, रेट है 5%, समय है 4 वर्ष, साधारण ब्याज हमें दे रखा है 800 रुपए, और हमें मूलधन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। साधारण ब्याज है हमारा 800 का, मूलधन हमें निकालना है, रेट दे रखा है हमें 5, टाइम दे रखा है हमें 4, और डिवाइड बाय 100। जो ये नीचे 100 है ये आर परसेंट का ही है, 11% होता है ना, उसी को आर बाय 100 नीचे लिखा हुआ है। ये आ जाएगा हमारा मूलधन डिटेल मेथड से 160। कैसे आया आप सबका? फॉर्मूला ही तो पुट करना था इसमें। वन सिक्सटी कैसे निकाला है आप लोगों ने? अभी तो कुछ शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ किया ही भी नहीं हमने। तो यही तो आप लोगों की गलती है कि आप क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पुट करते, ढंग से ही नहीं पढ़ते। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लियर है आज तो, प्रिंसिपल भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, और प्रिंसिपल को भी हिंदी में मूलधन ही क्वेश्चन में पूछ रखा है, मूलधन ज्ञात करना है। अब इसका जो सेकंड शॉर्ट ट्रिक है ना वो देख लो। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर इंटू टी, तो आर है हमारा 5 और ये है 4, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। 20% अगर सिंपल इंटरेस्ट है, हम मान लेते हैं प्रिंसिपल को यहाँ पे मानना है हमने 100%, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 120%। अमाउंट हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मूलधन बट जमा में साधारण ब्याज, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा था, हमें 20% की वैल्यू दे रखी थी, 20% की वैल्यू हमें दे रखी है 800 रुपए, तो 1% की हो जाएगी 800/20, और हमें निकालनी थी प्रिंसिपल मूलधन की 100% की, तो 800/20 गुना में 100, तो यहां से देखो ये आ गया 4000। ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। बताओ क्लियर है सबको? जल्दी बताओ क्लियर है सबको? ठीक
ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेट दे रखा है हमें, दर दे रखा है, समय दे रखा है और हमें दे रखा है अमाउंट, वर्ष राशि, राशि वर्ष राशि कितनी दे रखी है, 4800, और हमें निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है आर इंटू टी, और आर है हमारा 4, टाइम है हमारा 5, तो 20%। और जो हमारा वर्ष राशि है मतलब अमाउंट है पूरे साल की जो राशि है, वो होती है मूलधन जमा में साधारण ब्याज। मूलधन हमारे पास नहीं है लेकिन हम मूलधन को मानते हैं 100% प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 20%, तो अमाउंट जो वर्ष राशि है वो आ गई हमारे पास 120%। ठीक है, उसके बाद देखो हमें 120% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 4800। 1% की कितनी हो जाएगी, 4800 अपॉन में 120, और हमसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, और मूलधन कितना है, 100%। तो 4800 अपॉन में 1200 इंटू 100, 0 से 0 कट गई, 12 4 48, तो हमारा जो मूलधन है प्रिंसिपल है वो आ गया 400, 4000। हमारा जो पूरी मूलधन है वो तो हमारी पूरी वर्ष की राशि है वो तो 4800 है, प्रिंसिपल कैसे 4000 आ जाएगा 5 सालों का। देखो ठीक है, 120 आएगा यहाँ पे। ठीक है ठीक है, 1200 नहीं आएगा, ये 120 आएगा। बट आरती ये भी इजी मेथड है, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में है ही नहीं। आप प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हो, परसेंटेज कर चुके हो, रेशियो वाला को चैप्टर कर चुके हो, उसके बाद भी अगर आप कह रहे हो कि ये मेथड समझ में नहीं आया, फिर आप डीआई कैसे करोगे। देखो हमें दे रखा था क्वेश्चन में, हमें दे रखा है रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, वर्ष राशि दे रखी है। ठीक है, रेट है हमारे पास 4%, टाइम है हमारे पास 5 इयर्स, और पूरे साल की जो राशि है अमाउंट है हमारे पास 4800। तो यहां देखो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है वो होता है आर इंटू टी परसेंट, आर है हमारा 4 और टाइम है हमारा 5, तो यहां से आ गया साधारण ब्याज 20%। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम प्रिंसिपल को हमेशा हम मानते हैं 100%, जो मूलधन है उसको मानते हैं 100%, और जो हमारी वर्ष राशि है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, वर्ष राशि होती है हमारी, वर्ष राशि किस किस का टोटल है वो है हमारे मूलधन जमा में साधारण ब्याज का टोटल है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का टोटल है अमाउंट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अगर 100 है, सिंपल इंटरेस्ट 20 है, तो अमाउंट कितना बन गया, 120% नहीं बन गया, और हमें अमाउंट दे रखा है 4800, मतलब ये 120% की वैल्यू है ये 4800, तो यहाँ से 1% की निकाल दो, ज्यादा से थोड़े पे आते हैं तो डिवाइड होता है, और हमसे पूछी थी 100% की, थोड़े से ज्यादा पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 100 मतलब मल्टीप्लाई में आएगा, इससे ये कट गया, ये आ गया आपके पास प्रिंसिपल मतलब मूलधन आ गया आपके पास 4000। बताओ क्या डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में।
गुड इवनिंग सियाराम, जल्दी बताओ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आते हैं। आरती, रविंद्र कुमार, दीपमाला, सविता, जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। मूलधन दे रखा है हमें 100, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 100, दर दे रखी है हमें 10%, सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ 10% पर ईयर, प्रति वर्ष 10% के एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100। ठीक है, तो मूलधन है हमारा 100, रेट है हमारा 10, समय है हमारा पर ईयर निकालना है मतलब हर साल का निकालना है, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? 10 ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है, तो हर साल चाहे कितने साल भी बोले, हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हर साल जो साधारण ब्याज है वो 10-10 ही निकलता जाएगा इनका। ठीक है, तो बस ये आंसर हो जाएगा 10 10 10, अगर सिर्फ साधारण ब्याज पूछा है तो। 100 और फिर यहां से जो अमाउंट है, जो वर्ष राशि है, वो क्या हो जाएगी? मूलधन जमा में साधारण ब्याज, और मूलधन है हमारा कितना? 100, साधारण ब्याज आया 10, तो जो हमारी वर्ष राशि है वो निकल जाएगी 110। हर साल जो वर्ष राशि है वो 110 रहेगी इस अमाउंट पे, इस प्रिंसिपल पे। बताओ क्लियर है? तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार यूजीसी में पूछे जाते हैं। आप चलते हैं ये क्वेश्चंस, ये पहले 3 क्वेश्चंस थे आपके बेस बनाने वाले क्वेश्चंस। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन, जो हमारा 4th क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल 10 नहीं है, प्रिंसिपल है वो 100 है, मूलधन 100 है, तो हमने भी तो 100 ही लिया है, 10 तो हमने लिया ही नहीं, 10 तो हमारा साधारण ब्याज आया है। SI 10 आया है, साधारण ब्याज 10 आया है फॉर्मूले से। दीपमाला प्रैक्टिस करोगे मैथ समझ में आएगा, मैथ में कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने वैसे ही मैथ को इतना हवा बना रखा है। अब अपना आप यहां से आप जो क्वेश्चन है वो देखो, कुछ नहीं है इतना, कुछ टफ नहीं आता जितना आप पैनिक हो रहे हो कि नेट में क्या करूंगी, ऐसा इतना हाई लेवल का मैथ नहीं आता है।
इसमें निकालना है, ये देखो, कोई धनराशि 3 वर्ष में 2300 रुपये तथा 5 वर्ष में 2500 रुपये हो जाती है, तो यहाँ पे आपको निकालना है दर, कितना आपको रेट मिला है कि आपकी राशि 3 साल में तो 2300 और 5 साल में 2500 हो गई, और साथ में आपको निकालना है प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, ये देखो, हमें पता है जो हमारा साधारण ब्याज है वो एक प्रिंसिपल पे हमेशा फिक्स रहेगा। अगर हमने एक प्रिंसिपल मान लो 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 10 साल के लिए, तो 10 के 10 साल जो हमारा साधारण ब्याज है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो सम ऑफ मनी है, जो धनराशि है, वो तो सेम है। वही धनराशि 3 साल में तो बन गई 2300 रुपये, और वही सेम धनराशि 5 साल में बन गई 2500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 साल में कितनी बढ़ रही है, 2 साल में बढ़ी है 200 रुपये। ठीक है, एक साल में कितनी होगी, 200 बटे में 2 100, मतलब हर साल कितना साधारण ब्याज ले रहे हैं वो, 100 100 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 साल में कितनी बड़ी होगी, 100 गुना 5 500 रुपये बड़ी होगी, और 3 साल में कितनी बड़ी है, 100 गुना 3 300 रुपये। इसमें से 300 माइनस करो, देखो 2000 आ गया। इसमें से 500 माइनस करो, देखो 2000 आ गया। मतलब हमारा धनराशि थी कितनी, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था कितना, 2000 का था। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल भी आ गया और हमारी रेट भी आ गई। अभी रेट नहीं आया, रेट अभी फाइंड आउट करने हैं। बताओ प्रिंसिपल जो सिद्धांत है, जो मूलधन है, वो क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूजीसी में, फेवरेट पार्ट है, फेवरेट टाइप है ये एसआई के अंदर क्वेश्चंस की इसकी। बिल्कुल, एक बार दोबारा देख लो क्या कहा उसने, 3 साल में बढ़ रही है, 3 साल में मिले 2300 रुपये और 5 साल में मिले 2500 रुपये। जो अमाउंट है ना, जो धनराशि है वो सेम है, उसी धनराशि पे 3 साल में मिल रहे हैं 2300 रुपये और 5 साल में मिल रहे हैं 2500 रुपये। तो यहाँ पे देख, 5 5, यहाँ पे देखो 5 में से 3 गेट 2, तो 2 साल में कितने हैं, 200 रुपये। तो एक साल में कितने होंगे, 200 बटे में 2 100 रुपये। हमें पता है साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, तो हर साल उनको कितना साधारण ब्याज मिला उस धनराशि पे, 100 रुपये का साधारण ब्याज मिला है। तो यहाँ पे मिला है, यहाँ 5 साल तक मिला होगा उसको, 100 गुना 5 टोटल मिले होंगे 500 रुपये, और यहाँ पे 3 साल तक कितना मिला होगा, 100 गुना 3 300 रुपये। ठीक है, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज सेम है। तो 2300 में से 300 माइनस करें तो देखो 2000 आया, और 2500 में से 500 माइनस करें तो यहाँ पे भी क्या आया, 2000 आया। तो मतलब वो धनराशि थी कितने की, 2000 की थी, जो इन्वेस्ट करी है सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे, जिसपे हर साल उसको 100 100 रुपये मिलके 3 साल में वो बन गए 2300, और अगले 2 साल मतलब 5 साल तक वो बन जाएंगे 2500। ऐसे 2000 थे, पहले साल मिला 100 रुपये, दूसरे साल मिले 100 रुपये, तीसरे साल मिले 100 रुपये, तो टोटल करा ये देखो आगे 2300 रुपये। फिर चौथे साल में फिर से 100 रुपये मिल गए, पांचवे साल में फिर से 100 रुपये मिल गए, ये बन गए 2500 रुपये। हमें ये वाली चीज और ये वाली चीज दे रखी थी और हमसे ये पूछ रखी थी। अब बताओ क्लियर है? जल्दी बताओ क्लियर है? ठीक है, अब देखो, हमें पता है हमारे पास मूलधन आ गया, मतलब प्रिंसिपल आ चुका है 2000। ठीक है, टाइम हमें पता है,
हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट यहां पे हम निकाल देंगे। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, यहीं से निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल देखो कितना है, 2000। आर हमें नहीं पता, टाइम हम ले लेते हैं 1 ईयर, और 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 100 रुपए। ठीक है, तो 2000 गुना में आर इज इक्वल टू 100 गुना में 100, और यहां से आर इज इक्वल टू 100 गुना में 100 बटे में 2000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इससे ये कट गया, ये आ गया। रेट कितनी आ गई, रेट आ गया हमारे पास 5%, दर आ गया हमारे पास 5%। बताओ क्लियर है सबको? जल्दी बताओ क्लियर है सबको? सबके सब जल्दी रिप्लाई करो। लास्ट का मैं यहाँ कर देती हूँ, लास्ट का कुछ नहीं है, बस उधर कैलकुलेशन लेके गई हूँ मैं। ये है 2000 इंटू आर इज इक्वल टू 100 इंटू 100, और यहाँ से हो जाएगा आर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन में 2000। 2 जीरो से ये कट गई, इस जीरो से ये कट गया, ये आ गया रेट यहाँ पे 5%। थोड़ा गेन का क्या मतलब होता है? नहीं, इसको इन क्वेश्चंस में, इस टाइप वाले क्वेश्चंस निकाल के देख लेना। आज इस टाइप के मैं कम से कम भी 5-6 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, अलग अलग थोड़े थोड़े चेंजेस हैं सब क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन SI का, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली आप सोल्व कर दोगे। मैं एक बार और करा देती हूँ ये क्वेश्चन। देखो क्या था, ये बताओ मेरे को, साधारण जो प्रिंसिपल मूलधन जहां पे निकाला था, मूलधन तक का क्वेश्चन क्लियर है सबको? मूलधन तक का क्लियर है तो बताओ मैं आगे चलूं, या फिर मूलधन वाला भी दोबारा बताना है? रुचि, मूलधन बताना है? ठीक है, देखो क्या था, 3 साल में कोई अमाउंट बन रहा, कोई राशि बन गई 2300 रुपए, 5 साल में बन गई 2500 रुपए, और वो भी साधारण ब्याज पे। मतलब हमें पता है इसमें जो अमाउंट है वो सेम ऐड होता रहा है, क्योंकि तो साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 3 साल में 2300, 5 साल में 2500, मतलब 5 में से 3 के 2 साल में कितना बन रहा है, 200 बन रहा है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 200 बटे में 100, 200 बटे में 2, तो यहाँ से बन गया 100। मतलब हर साल उसको 5 साल तक हर साल मिले हैं 100 100 रुपए, उस अमाउंट पे जो इसने इन्वेस्ट करा है। और अभी हमें वो अमाउंट ही निकालना है कि उसने क्या अमाउंट इन्वेस्ट करा था। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 साल तक 100 200 300, मतलब उसे मिले हैं 300 रुपए, और नेक्स्ट 2 ईयर तो टोटल मिला के बन गए 500 रुपए। तो 3 साल तक मिल गए 300 रुपए, और शुरू से लेके 5वें साल तक तो देखें तो मिल गए 500 रुपए। तो यहाँ पे 2000 में से 300 माइनस करेंगे तो बनेगा 2000 रुपए, 2500 में से 500 माइनस करेंगे तो ये बन रहे हैं 2000 रुपए, 2300 में से 300 माइनस किया 2000 बने, 2500 में से 500 माइनस का 2000 बने। मतलब वो शुरू में जब उसने पैसे इन्वेस्ट करे, कितने इन्वेस्ट करे हैं उसने, करे हैं 2000 रुपए, तभी उसको पैसे
पहले साल 100 रुपए मिले, दूसरे साल 100 रुपए मिले, तीसरे साल 100 रुपए मिले और तीसरे साल इसका टोटल बना 2300 रुपए। फिर चौथे साल 100 रुपए मिले, पांचवें साल 100 रुपए मिले, फिर इसका पांचवें साल बना टोटल 2500 रुपए। हमें ये दो चीज दे रखी थी कि तीसरे साल वो इतने रुपए उसको मिलते हैं और पांचवें साल अगर बात करूं तो उसको इतने मिलते हैं। यहाँ पे तीसरा साल और पांचवा साल वो बात कर रहा है शुरू से कि जीरो से जब इन्वेस्ट करे थे तब से लेके तीसरे साल तक इतने, और जब इन्वेस्ट करे थे तब से लेके पांचवें साल तक इतने। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से प्रिंसिपल आ चुका है, मूलधन आ चुका है कितना, 2000 रुपए। जब हमारे पास मूलधन आ गया तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। साधारण ब्याज 1 साल के लिए है 100 रुपये, प्रिंसिपल है 2000 रुपये, रेट हमें पता नहीं, टाइम 1 ईयर और अपॉन में 100, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज देखो 100 रुपये। अगर यहाँ पे हम 3 साल लें तो साधारण ब्याज बनेगा 300 रुपये। ठीक है, इसके बाद इसको वहां लेके चलते हैं, यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ हो जाएगा 2000 गुना में आर, आर को यहीं रखते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इससे ये कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, यहाँ से जो हमारा रेट है दर है वो आ गया 5%। 5% की दर पे 2000 रुपये उसने इन्वेस्ट करे, तब जाके उसको 3 साल में 2300 रुपये मिले और 5 साल में 2500 रुपये मिले। अब बताओ क्लियर है सबको? सभी बच्चे बताओ जल्दी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ मनी ऑफ 2000, 2000 एट द रेट ऑफ 5%, 2000 की एक मनी 5% की दर पे 2400 बन गई, तो यहाँ पे हमें बताना है समय, टाइम निकालना है। अब हमें पिछले क्वेश्चन में निकालना था रेट, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है समय। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यहाँ पे हमें धनराशि मतलब मूलधन भी दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, प्रिंसिपल है 2000, रेट हमें पता नहीं, टाइम हमें दे रखा है और हमें दे रखा है अमाउंट, वर्ष राशि दे रखी है 2400, जितना बना है ना वो 5% की दर पे वो हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो अमाउंट मतलब वर्ष राशि, वर्ष राशि इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन जमा में साधारण ब्याज, और ये है हमारे पास 2400, जो मूलधन है वो है 2000 और सिंपल इंटरेस्ट हमें पता नहीं, तो यहाँ से 2400 माइनस 2000 हमारे पास जो साधारण ब्याज है वो आ गया 400 रुपये। यहां तक का बताओ क्लियर है सबको? यहां तक का क्वेश्चन बताओ क्लियर है सबको? अब अपना क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज है 400, मूलधन है 2000, रेट है 5%, टाइम हमें दे नहीं रखा तो टी ले लो अपॉन में 100। तो यहां से इसको इसे यहीं पे कट कर लो, 2 20 गुना 500 हो गया, तो 400 इज इक्वल टू 100 टी, और टी इज इक्वल टू 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, समय आ गया हमारे पास 4 साल, 4 इयर्स। बिल्कुल मेघा, ठीक है आपका क्लियर है सबको?
किसी को भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, यहां तक के किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। बिल्कुल जयश्री, ठीक है आपका। जल्दी बताओ। साथ ही मैंने आप सभी बच्चों को बोला था कि अपना फीडबैक जरूर दे के जाया करो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मैथ्स आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो अपना फीडबैक जरूर दिया करो। दो हजार देखो नीचे 100 था तो 100 से ये कट गया 2 0, 20 × 500 टी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 425 रुपये 476 रुपये हो जाते हैं। मतलब 425 रुपये 476 बन गए 3 साल के अंदर। तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। थैंक यू जयश्री। तो अब देखो, 425 रुपये थे हमारे पास, प्रिंसिपल था हमारे पास 425, और वो 3 साल के अंदर क्या बन गया, 476 बन गया। तो ये क्या हो गया हमारा, 3 साल के बाद का अमाउंट हो गया 400 करे थे साधारण ब्याज की दर पे, और वो हमें 3 साल बाद 425 से मिले 476 बन के। तो जितना अमाउंट बच गया 476 में से 425 कितना बच गया, 51 रुपये बच गया। मतलब हमें 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला है, 51 रुपये इंटरेस्ट मिला है। कितना क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। इतना क्लियर है सबको, अब देखो आगे। हमारे पास साधारण ब्याज आ गया 3 साल का, कितना आया है 51 रुपये। टाइम हमें पता चल गया 3 साल की, 3 साल में हमें 51 रुपये मिले हैं। प्रिंसिपल हमारे पास, मूलधन हमारे पास है ही कि 425 रुपये थे, ठीक है। अब निकाल दो अपना फॉर्मूले से, कुछ भी नहीं है। साधारण ब्याज 51, मूलधन 425, रेट हमें पता नहीं, टाइम हमारे पास 3 साल, और गुना में 100। अब यहाँ पे इसको लेके चलो उधर, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है, तो यहाँ लेके चलते हैं। ये यहाँ पे 100 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इज इक्वल टू 425 × रेट × 3। अब रेट को सिर्फ यहाँ रखो, इन दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएंगी दोनों डिवाइड में। अब काट लो इनको, जब ऐसे बड़ी कैलकुलेशन दिखे ना तो इनको सारे को एक साथ लाके काट लिया करो। यहां से काटेंगे इसको, 3 1 जा और ये हो जाएगा 3 7 जा 21, ठीक है। फिर इसको काट लो 5 से, 5 8 जा और 5 5 जा, 5 2 जा और 0। फिर 5 से 5 4 जा, ये कट जाएगा 5 1 जा और 5 7 जा, 17 से 17 कट गया। ये देखो 4 रह गया, रेट आ गया हमारे पास 4%। बताओ क्लियर है सबको क्वेश्चन। जल्दी बताओ क्लियर है सबको क्वेश्चन।
और जिन बच्चों को ना थोड़ी मैथ थोड़ा टफ लगता है तो वो क्या किया करो, जो रिकॉर्डेड क्लास है ना उनको बार बार देख के, बार बार देख के उनके क्वेश्चंस निकालने की कोशिश किया करो। ये वाले क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं है, सेम ऐसे क्वेश्चन है ना। मतलब मैं बात करूं पिछले से पिछले साल भी, लास्ट ईयर भी, और अब भी SI का क्वेश्चन एक ना एक पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा तुम्हें, ये ऐसे वाले क्वेश्चन। क्योंकि इसमें बच्चे होते हैं कंफ्यूज, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। अब देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है। इन हाउ मैनी इयर्स ₹1,000 बिकम्स 1,200। 1,000 रुपए कितने सालों में 1,200 बनेंगे। मतलब हमारे पास प्रिंसिपल मूल धनराशि है 1,000 रुपए, और उसको साधारण ब्याज पे हम 5% की दर से, साधारण ब्याज पे अगर इन्वेस्ट करें तो वो कितने सालों में, कितने टाइम में 1,200 रुपए बनेगा। हाँ जी अनुराधा, तो प्रैक्टिस करो, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। मतलब हमें अमाउंट कितना चाहिए है, 1,200 चाहिए है, प्रिंसिपल है हमारे पास 1,000, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल आएगा हमारे पास, 200 रुपए निकल आएगा। 1,200 माइनस 1,000, हमें साधारण ब्याज कितना चाहिए, 200 चाहिए, और वो कितने सालों में मिलेगा वो हमें निकालना है, टाइम निकालना है। इतना क्वेश्चन क्लियर है? वेरी गुड खुशबू, क्वेश्चन बताओ इतना क्लियर है? तो यहां देखो क्या दे रखा था हमें, फॉर्मूला लिखो अपना। ये आ गया हमारे पास 200 रुपए, मूलधन प्रिंसिपल राशि हमें पता है, रेट हमें पता है, टाइम हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये यहाँ पे 10 रह गया। 10 × 5 कितना हो जाएगा, 50 × t इज इक्वल टू 200, और t यहाँ पे, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे हमारे पास जो समय है वो आ गया 4 साल। बताओ क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब अपने। अब ये थी, जब हमें प्रिंसिपल दे रखा है, रेट निकालना है, टाइम निकालना है, ये वो वाले क्वेश्चंस थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो, यहाँ पे क्या बोला है, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। टाइम दे रखा है हमारे पास 20 इयर्स, और उसने क्या बोली, क्या बोला है कि जो धनराशि है ना वो क्या हो जाती है, 6 टाइम्स हो जाती है। मान लो अगर हमारी धनराशि एक्स थी तो अब वो कितनी बन गई, 6x बन गई। इतना क्लियर है सबको? अगर हमारी धनराशि एक्स थी ना, मतलब मूल धन हमारा, प्रिंसिपल हमारा एक्स था, तो अब वो हमारा 6 गुना बन गया, 6x बन गया। तो इसके अंदर क्या हमारा एक्स, तो ये हमारा प्रिंसिपल, और साथ में जो 5 है वो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा। 5x हमारा इंटरेस्ट होगा और एक्स हमारी मूलधन, मूलधन, तभी हमारा मिलके कितना बना है 20 सालों में, 6x बना है। बताओ इतना क्लियर है? तो यहां से हमें पता चल गया, प्रिंसिपल एक्स, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 5x, और जो अमाउंट है वो है 6x। बताओ इतना क्लियर है?
बिल्कुल अभिषेक देखो, हाँ जी देख लो क्या बोला इसने। एक साधारण जो हमारे धनराशि थी वो 20 सालों में 6 गुनी होगी, जितनी वो थी ना उसकी 6 गुनी होगी। हमने मान ली शुरू में हमारा प्रिंसिपल था एक्स, 20 सालों में वो कितना बन गया, वो बन गया 6x, 6 गुना बन गया। ठीक है, तो इस 6 गुना में देखो क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होता है ना, तो हमारा प्रिंसिपल तो एक्स ही था, वो थोड़ी चेंज होगा। बाकी का जो 5x है वो क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया, तभी तो मिलके 6x बना। और ये मिलके क्या होता है, ये होता है अमाउंट। तो यहाँ से अमाउंट आ गया 6x, प्रिंसिपल आ गया एक्स, और सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 5x। अब बताओ क्लियर हुआ सबको, 5 कैसे आया। जो धनराशि है वो चेंज थोड़ी होगी, अगर वो शुरू में एक्स है तो लास्ट में भी वो एक्स ही रहेगी, उसमें जो भी ऐड हुआ है ना वो ऐड हुआ होगा सिंपल इंटरेस्ट। जैसे अपने क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में 2300 बन रहा था 3 साल में, 2500 बन रहा है 5 साल में, तो जो 300 ऐड हुआ है और जो 500 ऐड हुआ है, ये इंटरेस्ट ही तो ऐड हुआ है। धनराशि तो यहाँ पे भी 2000 ही थी और यहाँ पे भी 2000 ही है, और आगे भी चलोगे वहां पे भी 2000 ही रहेगी, ये तो चेंज होनी ही नहीं। जो इसमें चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। ऐसे ही इस क्वेश्चन में है, वो क्या बन गई, 20 सालों में अपनी जितनी वो थी उसकी 6 गुना बन गई। हमने स्टार्टिंग में उसको एक्स माना, तो 20 साल बाद वो बन गई 6 गुनी, तो वो अपन लास्ट में भी 20 साल बाद भी वो खुद तो प्रिंसिपल खुद तो एक्स ही रहेगा। जो ये बाकी के 5x उसमें ऐड हुए हैं वो क्या ऐड हुए हैं, वो ऐड हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। आप एक्स मत लगाओ, सीधा ऐसे कर लो, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था 1, अब कितना बन गया, अब भी 1 ही रहेगा, और जो 6 में से बाकी के 5 है वो क्या है, हमारे इंटरेस्ट है। आप एक्स मत लगाओ, कौन कह रहा है आपको एक्स लगाने के लिए, वो तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए होता है, आप मत लगाओ। आप सीधा ये मान लो प्रिंसिपल आ गया 1, इंटरेस्ट आ गया 5, अमाउंट आ गया 6। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है रेट। एक और शीट ले लेती हूँ मैं, रुको। अब देखो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुना में रेट गुना में टाइम अपॉन में 100। ठीक है, और हमारे पास साधारण ब्याज अगर आपके अकॉर्डिंग लूं तो 5, प्रिंसिपल 1, रेट कितना है हमारा, रेट है, रेट निकालना है, और टाइम है हमारा 20 गुना में 100। तो इस 0 से 0 कट गई, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 × 5 इज इक्वल टू रेट, रेट यहां से आ गई 25%। बताओ किसको क्लियर नहीं है क्वेश्चन। पेपर में सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, पेपर में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे अभी हम पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, ये 3 4 टाइप पहले की थी और अब जो हम कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। बताओ क्लियर है सबको, कोई भी एक सिंगल बच्चा ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया तो वो बता दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है। सबको क्लियर है, ओके वेरी गुड। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी एक धनराशि 4 गुनी बन जाती है अपने आप की इटसेल्फ एट 5% पर एनम। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये देखो ये बन गई क्या, अच्छा यहाँ पे हमें टाइम निकाल रखा, रेट दे रखी है उस क्वेश्चन में, हमें रेट दे रखी थी, तो 5% की रेट पे
एक धनराशि क्या बन जाती है, चार गुनी बन जाती है, फोर टाइम्स बन जाती है अपनी। तो यहाँ पे मतलब हमारा अमाउंट है फोर टाइम्स, स्टार्टिंग में हमारा प्रिंसिपल रहा होगा वन, तो लास्ट में भी रहेगा वन, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा थ्री, 1 + 3 यहाँ से 4, ठीक है। कितना क्लियर है, पिछली बार जैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ गया 1, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3, अमाउंट आ गया 4। उसके बाद अपना फॉर्मूला पकड़ो, फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा कितना 3, प्रिंसिपल है हमारा 1, रेट है हमारा 5%, टाइम हमें निकालना है डिवाइड बाई 100, 5 1 जा, ठीक है। तो ये उधर जाके 3 × 20 तो कितना टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास 60 इयर्स। 3 अनुराधा जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, जो 4 टाइम्स बन गई है हमारी। मान लो हमारा प्रिंसिपल है एक्स, 5% की दर पे ये बन गई 4 गुनी, हमें नहीं पता कितने सालों में बनी, तो 4 गुनी मतलब 4x बन गई। तो इस 4x के अंदर हमारा जो धनराशि है वो तो एक्स ही था, स्टार्टिंग से एक्स ही रहा, बाकी के जो 3x जो चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये टोटल 4x बना है, तो वो किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। इसलिए एक्स में कंफ्यूजन होता है, इसलिए डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दी, एक्स को मान लिया, प्रिंसिपल को मान लिया 1, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3, एक है मूलधन, एक है साधारण, 3 है साधारण ब्याज, और इन दोनों को मिला के 4 हमारा बन गया अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। जैसा पिछले वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है ये, और ऐसे हमारा टाइम निकल जाएगा, टाइम आ गया हमारे पास 60 इयर्स। बताओ क्लियर है सबको, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आज की जो पीपीटी है वो आपको कल की क्लास के साथ मिलेगी, दोनों पीपीटीज के क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, इसी में जो मैं आगे कल के जो क्वेश्चन है वो इसी में आगे लेके आऊंगी मैं, ताकि आपको एक साथ मिल जाए, विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो एक बार इस सेशन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको दोबारा रिकॉर्डेड क्लास में जरूर देख लेना, तभी तो वो इस टाइप के क्वेश्चन देता है दीपमाला कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन बताया है। एक बार आप क्या करना, दोबारा से जो रिकॉर्डेड क्लास है वो देखना, एक बार देखना, दो बार देखना, 3 बार देखना, उसके बाद बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। थैंक यू परमदीप, भावना, अपना जो ये आपका फीडबैक है, आपकी जो ऐप है वहां पे, जहाँ पे जीतू सर को आप क्या कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, तो वहां पे भी अपना ये फीडबैक जरूर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है, सर बताते हैं मेरे को फिर जिस जो जो बच्चा अपना फीडबैक देता है। थैंक यू एवरीवन, सारे के सारे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी विद सॉल्यूशन एंड विदाउट सॉल्यूशन दोनों ही। थैंक यू सागर, नेहा, पूजा सिंह, थैंक यू पूजा, थैंक यू यशवंत, जय श्री। जो नंबर आपको दे रखा है ना, मैं एक बार नंबर दोबारा बता देती हूँ आपको, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, ये है हमारा हेल्पिंग नंबर, 8233651148। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, एंड सभी बच्चे प्लीज रिवाइज जरूर करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की जो हमारी, उसमें बार बार यूजीसी पूछता है इन क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर।